Perfect. Perfect. आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत बहुत इजी 10 मिनट वाला टेस्टी हेल्दी नाश्ता, जिसे आप कम तेल में घर के ही सामान से और बहुत ही हेल्दी तरीके से बहुत ही सुपर टेस्टी बना पाएंगे। और इस रेसिपी का नाम है चावल के पैनकेक्स, जो आपने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किए होंगे। मात्र 10 मिनट लगेगा आपको बनाने में और सुबह का एक हेल्दी टेस्टी नाश्ता बनकर के फटाफट तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राइस नमकीन पैनकेक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं एक बाउल में 3 उबले हुए आलू। ये छोटे साइज के थे तो मैंने 3 लिए हैं, आप मीडियम साइज के 2 भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम आलू को बिल्कुल बढ़िया से मैश कर लेंगे, एकदम स्मूथ। आलू को मैंने बिल्कुल बढ़िया से मैश कर लिया है। अब ये मैंने लिए हैं 1 कप चावल, जो रोज में चावल बनाते हैं बस वही, उनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था और भीगने के बाद ये इस प्रकार फूल गए हैं। अब जैसे मैंने यहाँ चावल लिए, आपके पास अगर चावल का आटा या राइस फ्लावर घर में है तो आप डायरेक्टली वो भी यूज कर सकते हैं, तो और भी जल्दी नाश्ता बन जाएगा। ये मैंने चावल यहाँ इसलिए लिए क्योंकि सबके पास चावल का आटा होता नहीं है, तो ये एक आसान तरीका हो जाएगा। बस आप 1 कप चावल लें, उसको 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दें, तो इसका पानी हम निकाल देंगे। एकदम बढ़िया हमारे चावल फूल गए हैं। अब आप लें एक ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में हम इस प्रकार से चावल को डाल देंगे। साथ ही अपनी वेजी केक्स को सुपर टेस्टी, क्रीमी और बढ़िया सा फ्लेवर लाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप दही। सिंपल घर का जमा हुआ दही मैंने लिया है, हल्का आपके पास खट्टा भी हो तो भी चलेगा। दही के साथ चावल का बिल्कुल फाइन पेस्ट यानी बैटर तैयार करेंगे। और ये लीजिए, मैंने बिल्कुल फाइन पेस्ट दही के साथ चावल का पीस लिया। आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया बैटर हमारा बन करके तैयार हो गया है। अगर आपको यहाँ पानी की जरूरत लगे तो थोड़ा सा पानी आप ऐड कर सकते हैं। अब आप लें अपने मैश्ड आलू और इसमें सारा बैटर हम चावल वाला डाल देंगे। और ये देखिए, अच्छी तरह फेंटते हुए बिल्कुल आलू को अच्छे से मिक्स कर लें चावल वाले बैटर में, अभी आप देख रहे हैं ना। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हेल्दी टेस्टी वेजीज। तो मैंने यहाँ ली है 2 बड़े चम्मच शिमला मिर्च हरी वाली, 2 बड़े चम्मच पीली शिमला मिर्च, 2 बड़े चम्मच लाल वाली शिमला मिर्च, थोड़ी सी गाजर बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्च और 1 प्याज मीडियम साइज की, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इस बहाने बच्चे सारी सब्जी खा लेंगे, तो जो सब्जी आप लाइक करते हैं, जो आपके पास घर में है, उसको बारीक कट करके आप इसमें डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ करी पत्ता। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा फ्लेवर्स के लिए कुछ मसाले, तो 1 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स यानी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, आप चाहें तो लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला डालना पूरी तरह ऑप्शनल है, आप लाइक करें तो डाल लें, वरना इसके बगैर आप तैयार कर सकते हैं। और बस अच्छी तरह कीजिए मिक्स। और अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी कुछ इस प्रकार की है, हम आसानी से नमकीन वेजी केक्स बना पाए। बहुत ही बढ़िया नाश्ता है, टेस्ट इतना बढ़िया होता है, फ्लफी फ्लफी एकदम सॉफ्ट, मजा आ जाता है खाकर। अगर आपको यहाँ थोड़ा सा बैटर गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको बैलेंस कर सकते हैं। पैनकेक को अच्छा राइस देने के लिए, सुपर फ्लफी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 सेकेट इनो फ्रूट सॉल्ट, जो सिंपल नींबू वाला आता है ना ग्रीन में, वो ले रही हूँ। आपके पास अगर ब्लू वाला है इनो रेगुलर वाला, वो भी डाल सकते हैं, तो 1 सैशे डालेंगे। अगर इनो फ्रूट सॉल्ट नहीं है, यहाँ पर आप 1/2 छोटी चम्मच खाना सोडा यानी मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। इनो को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा हम डालेंगे पानी 1 छोटी चम्मच, देख रहे हैं ना बबल्स उठ गए। बस अब जेंटली हम मिक्स कर देंगे, अब जो हमारे पैनकेक्स बनेंगे काफी फ्लफी और बढ़िया बनेंगे। अब आप गैस पर चढ़ाएं 1 पैन और फ्लेम को कर दें मीडियम, थोड़ा सा घी या बटर या ऑयल लगा करके इसको ग्रीस कर लें। बहुत ही कम ऑयल में ये तैयार हो जाती है पैनकेक्स, आप किसी भी तवे पर भी बना सकते हैं। और जब तवा या पैन आपका गर्म हो जाए तो बस फिर कुछ नहीं करना है, आप लीजिए 1 लैडल फुल बैटर और मीडियम साइज की जो पैनकेक्स होती है ना, बस ऐसे हम बना लेंगे। लगभग मेरा 1.5 मैंने लैडल लिया है यानी चमचा, और इस तरह से हल्का हल्का इसको प्रेस कर दें, बस ज़्यादा स्प्रेड नहीं करना है और ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है, क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी अच्छी लगती है पैनकेक्स है ना। फ्लेम को मीडियम कर देंगे, उसको बढ़िया से सिकने देंगे और बस अब इसके ऊपर लगा देंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए लेट और लो मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से नीचे से सिकने देंगे। और 1 मिनट हो गया है, लेट को हटाएंगे,
देख सकते हैं आप एकदम फूली फूली फ्लफी हमारी राइस पैनकेक तैयार हुई है। और अब इसको इस तरह पलट देंगे। सुपर, ये देखिए आया ना कितना प्यारा कलर। तो बस इसी प्रकार नीचे से भी इसको लो मीडियम फ्लेम पर गोल्डन सेक लेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर एक ही पहले आपको सेक कर दिखाया है, अगर आप बड़े वाले तवे पर कर रहे हैं तो एक साथ चार भी बना सकते हैं। और अब लिड लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, नीचे से इसी तरह सेकने देंगे। बस नीचे से भी इसमें बहुत ही प्यारा देखिए गोल्डन कलर आ गया है, जैसे आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट फ्लफी। अब इसे निकाल लेंगे। तो लीजिए सुबह का बेहतरीन 10 मिनट वाला नाश्ता है बिल्कुल तैयार। लग रही है ना एकदम बढ़िया सुपर फ्लफी। तो सभी को बिल्कुल इसी तरह तैयार करेंगे और लो मीडियम फ्लेम पर इस पर लिट लगा देंगे। हटाएंगे एक मिनट बाद लिट और धीरे से पलट देंगे। सुपर, एकदम प्यारा गोल्डन कलर आ गया है और नीचे से भी इसी तरह सिकने देंगे। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये लीजिए हमारी दूसरी राइस पैनकेक है बिल्कुल तैयार। बहुत ही सुपर फ्लफी हमारी हेल्दी टेस्टी स्वाद से भरपूर राइस वेजी पैनकेक्स तैयार हुई हैं, जो इतनी टेस्टी लगती है कि जब भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा ना आप इन्हें ही बनाना चाहेंगे। और बहुत ही कम समय में आप बहुत कम सामान से इसको कभी भी तैयार कर सकते हैं, सिर्फ प्याज डाल करके भी इन्हें तैयार किया जा सकता है। तो जो भी वेजीज हों डालिए, इंजॉय कीजिए सुबह का एक हल्का फुल्का बेहतरीन नाश्ता। अब मैं इसको आपको पास से दिखा रही हूँ, आप इसका फ्लफ देख सकते हैं एकदम यम्मी लग रहा है ना, आ गया ना आपके भी मुंह में पानी। मैं आपको बैक साइड से भी दिखाती हूँ, एकदम फ्लफी। ये देखिए खास बात नाश्ते की ये है, जल्दी तो बनता ही है, हेल्दी टेस्टी भी है, साथ के साथ ठंडा हो जाने के बाद भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, एक बिल्कुल भी खराब नहीं लगता। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है सुबह का झटपट वाला हेल्दी टेस्टी कम ऑयल वाला नाश्ता, जो सबको पसंद आए, बच्चों को भी और बड़ों को भी। और पैनकेक को आप सर्व कर सकते हैं किसी भी चटनी, डिप, मेयोनीज, किसी चीज के भी साथ, चाहे सिंपल चाट मसाला डाल करके भी। मैंने यहाँ इसे सर्व किया है नारियल चटनी, हरा धनिया चटनी और शेजवान चटनी के साथ। आप अपने मनचाहे तरीके से इसको सर्व कर सकते हैं। ये मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ, ये देखिए जबरदस्त, आप इसका स्पॉन्ज देखिए जैसे इडली हो, लग रहा है ना एकदम बेहतरीन स्पॉन्जी यमी टेस्टी है ना, सॉफ्ट। मैं भी कर लेती हूँ एंजॉय शेजवान चटनी के साथ, मजा आ जाएगा खाकर। सुपर सॉफ्ट, सुपर टेस्टी। आप भी बनाइए, मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये यम्मी झटपट बनने वाली राइस वेजी पैनकेक्स कैसी लगी। फटाफट बनाते हैं साउथ इंडियन स्टाइल स्पेशल चटनी, वो भी मिनटों में। फटाफट वाली चटनी बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर आप रखें एक कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे मीडियम फ्लेम पर। साउथ इंडियन स्टाइल मल्टीपर्पज चटनी बनाने के लिए ये मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज की प्याज, जिसे मैंने रफली कट कर लिया है, 2 छोटे साइज के टमाटर, जिसे भी मैंने रफली कट कर लिया है, और 4 सूखी लाल मिर्च। तो सबसे पहले गरम तेल में हम डालेंगे सिर्फ प्याज, अभी टमाटर नहीं डालेंगे, और प्याज को मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से गोल्डन होने तक भूनेंगे। बहुत बढ़िया चटनी लगती है, जब आप इसे खाएंगे तो आपको मन करेगा कि आप रोटी पराठे भी इसी से खा लें, मजेदार चटनी। इस बड़ा वाली चटनी को आप इडली, डोसा, पकौड़ा, भजिए किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए जब आपकी प्याज इस तरह से थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट यानी ट्रांसपेरेंट सी आपको लगने लगे, थोड़ी पक जाए, तब इसमें हम ऐड करेंगे 4 सूखी लाल मिर्च, जो भी मैंने आपको दिखाई थी ना, और लाल मिर्च को भी लो फ्लेम पर बढ़िया से प्याज के साथ भून लेंगे। और जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि प्याज में बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है, तो बस इस स्टेज पर इसमें हम ऐड करेंगे 2 टमाटर, जिसे मैंने चॉप कर लिया था। टमाटर डाले हैं तो साथ ही जाएगा इसमें नमक, तो मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच स्वाद अनुसार नमक। अब एक बहुत जरूरी चीज जो इसको जबरदस्त फ्लेवरफुल बना देगी वो है 2 बड़े चम्मच चना दाल, साबित चना दाल, जिस बिल्कुल कच्ची चना दाल मैंने ली है, बस आपको डायरेक्ट डालनी है, पोंछ लीजिए और डायरेक्ट डाल दीजिए, धोना और भिगोना बिल्कुल नहीं है चना दाल को। इसमें ये डालना बहुत ही जरूरी है, जिसकी वजह से
बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, साथ ही गाढ़ापन मिलेगा। और फिर जब आप इससे कोई भी चीज खाएंगे, स्पेशली मसाला वड़ा, एकदम वही जो आप होटल या बाजार में खाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको मसाला वड़ा लगेंगे इस चटनी के साथ। अच्छे से अब हम पकाएंगे जिससे कि ये जो टमाटर हमने डाले हैं वो बढ़िया से मशी से हो जाए, यानी एकदम सॉफ्ट हो जाए। बिल्कुल बढ़िया टमाटर हमारे पक गए हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया लग रही है ना चटनी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ खट्टेपन के लिए थोड़ा सा इमली का पेस्ट। आपको अगर खट्टा पसंद है तो आप डालिए, वरना आप बिना इमली के भी तैयार कर सकते हैं। और अच्छे से इसे कर देंगे मिक्स। मान लीजिए आपके पास घर में इमली नहीं है तो यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो बस अब ये हो गई है बिल्कुल तैयार। तो हम कर देंगे गैस को ऑफ और इसको होने देंगे पूरी तरह से। मिक्स हो गया है हमारा ठंडा चटनी का, और आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार, और ग्राइंडिंग जार में हम सारे ही मिक्स को डाल देंगे और एकदम फाइन चटनी की तरह इसको पीस लेंगे। और लीजिए वड़ा वाली चटनी है इंस्टेंट बनकर बिल्कुल तैयार। और ये देखिए इसका टेक्सचर इतनी टेस्टी होती है, आपको मन करेगा कि खाना भी इसी से खा लें। इसको पीसने में पानी की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर आपको ज्यादा थिक लगे तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। और इसको मैं निकाल लेती हूँ इस तरीके के एक ग्लास वाले कंटेनर में, जिससे कि मैं इसको बाद में फ्रिज में स्टोर कर पाऊँ। आप किसी भी स्टील के टिफिन में, ग्लास के कंटेनर में किसी भी रख सकते हैं, आराम से 5-6 दिन ये चल जाती है, बिल्कुल खराब नहीं होती। तो चलिए अब इसको फटाफट से थोड़ा सा और सजा लेते हैं। तो आप लीजिए एक तड़का पैन, लो फ्लेम पर तड़का पैन को करेंगे गरम, और इसमें हम डालेंगे एक छोटी चम्मच ऑयल। ऑयल के गरम होते ही इसमें हम डालेंगे आधा छोटी चम्मच सरसों, 2 पिंच हींग, थोड़ा सा करी पत्ता। तो लीजिए फ्लेवरफुल तड़का है बिल्कुल तैयार, और तड़के को डाल देंगे हमारी जबरदस्त टेस्टी इंस्टेंट चटनी के ऊपर। लीजिए तैयार है हमारी वड़े वाली इंस्टेंट चटनी, जो इतनी टेस्टी है कि आप जब वड़ा इससे खाएंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, बहुत बहुत टेस्टी। तो बस इस तरह बना करके आप इसे स्टोर कर लीजिए फ्रिज में 5-6 दिन के लिए, और एंजॉय कीजिए किसी भी चीज के साथ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स सोशल साइट्स पर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी जरूर दें। सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।